नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YouTube सहेली पूजा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि गर्भावस्था के शुरुआती 8 लक्षण कौन कौन से होते हैं। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, ये 8 लक्षण महिला में दिखाई देने लगते हैं और आप बहुत आसानी से समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। आइए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बाजार में कई तरह के किट आते हैं, उपकरण आते हैं और दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन गर्भ धारण करने के साथ ही महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं। आप चाहें तो इन शुरुआती लक्षणों को जान सकती हैं और पता लगा सकती हैं कि आप में ये अगर लक्षण दिख रहे हैं तो आप गर्भधारण कर चुकी हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। सबसे पहला लक्षण होता है दोस्तों, हैवी ब्रेस्ट। ये एक बेहद सामान्य लक्षण है। दरअसल ब्रेस्ट के उत्तक हार्मोन्स के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। गर्भ धारण करने के साथ ही शरीर में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, इससे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है या फिर आपका जो ब्रेस्ट है वो भारी भारी सा आपको फील होने लगेगा। दूसरा होता है दोस्तों, निप्पल का कलर चेंज हो जाना। अगर आप गर्भावस्था में हैं तो आपका निप्पल का कलर चेंज हो जाता है। और ये चेंज क्यों होता है, तो शरीर में कुछ हार्मोनल परिवर्तन आते हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका रंग तुरंत बदल जाता है और इनमें से जो निप्पल के आसपास का एरिया होता है, जो कि गर्भावस्था में जो महिलाएँ नहीं होती का ब्राउन होता है, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनका रंग ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, यानी ज़्यादा डार्क आपको ब्राउन नज़र आने लगेगा। तीसरा लक्षण होता है मितली आना और उल्टी जैसा लगना। गर्भावस्था के दिनों में शुरुआती लक्षणों में से ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है। गर्भावस्था की शुरुआती काफ़ी बोझल होती है दोस्तों, सुबह उठकर कमजोरी लगती है और मितली आती है। कई बार कुछ खाने पर आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, तो ये भी शुरुआती लक्षण होते हैं। चौथा लक्षण होता है जल्दी जल्दी टॉयलेट जाना। क्या आप अब देख रहे हैं कि पहले की तुलना में आपको टॉयलेट ज़्यादा लग रहा है, आप ज़्यादा बार टॉयलेट जाने लगे हैं? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि किडनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है पहले से, जिससे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है दोस्तों। और पांचवा लक्षण है क्रैबिंग। क्रैबिंग भी गर्भवती होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। गर्भवती महिला में किसी विशेष चीज़ के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और हर वक्त खाने का दिल करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस दौरान महिला की डेली डाइट अचानक से बढ़ जाती है, बदल जाती है, तो आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है। छठा लक्षण होता है सिर दर्द। आपको बार बार लग सकता है कि आपके सर में थोड़ा सा हेडेक है, ब्लड वैक्यूम बढ़ जाने की वजह से सिर में दर्द रहने लगता है। फ्रेंड्स, ये गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक प्रमुख लक्षण है, पर धीरे धीरे यह खुद ही ठीक हो जाता है। सातवां लक्षण है कब्ज की शिकायत होना। हार्मोन चेंज की वजह से पाचन क्रिया भी असर करती है, पाचन क्रिया भी इफेक्टेड हो जाती है, पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसी महिला को अक्सर कब्ज की शिकायत रहने लगती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन का हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाचन संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। और आठवां लक्षण होता है शरीर का तापमान और मूड में परिवर्तन। गर्भवती होने पर शरीर का तापमान अक्सर सामान्य से ज़्यादा रहता है और ये तापमान आपको गर्भावस्था के पूरे महीनों में रहता है दोस्तों। इतना ही नहीं, इस दौरान समय समय पर मूड भी बदलता रहता है। कभी कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है, कभी कोई चीज़ से आपको नफरत हो सकती है, कभी आपको कुछ खाने का दिल करेगा, कभी आपको कुछ और खाने का दिल करेगा, ये भी बहुत आम है। तो गर्भावस्था के शुरुआती ये 8 लक्षण हैं। अगर इनमें से आप में कोई से भी लक्षण दिखाई देती है तो आप आसानी से समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, लास्ट में ये भी बताना चाहूँगी कि हर महिला के हार्मोन का परिवर्तन अलग अलग तरीके से होता है, हर महिला की बॉडी टाइप भी अलग होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण हर एक महिला में दिखाई दे। इनमें से कोई कोई लक्षण आपको नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। और सबसे आसान तरीका होता है कि जब आपके पीरियड मिस हो जाए उसके 1 वीक के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए घर पे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। ये सारे लक्षण शुरुआती लक्षण हैं, जो कि आपको पहले 3 महीनों के अंदर दिखाई देने वाले हैं। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टेक केयर। नमस्कार।
नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YouTube सहेली पूजा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि गर्भावस्था के शुरुआती 8 लक्षण कौन कौन से होते हैं। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, ये 8 लक्षण महिला में दिखाई देने लगते हैं और आप बहुत आसानी से समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। आइए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बाजार में कई तरह के किट आते हैं, उपकरण आते हैं और दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन गर्भधारण करने के साथ ही महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं। आप चाहें तो इन शुरुआती लक्षणों को जान सकती हैं और पता लगा सकती हैं कि आप में ये अगर लक्षण दिख रहे हैं तो आप गर्भधारण कर चुकी हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। सबसे पहला लक्षण होता है दोस्तों हैवी ब्रेस्ट। ये एक बेहद सामान्य लक्षण है। दरअसल ब्रेस्ट के उत्तक हार्मोन्स के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। गर्भधारण करने के साथ ही शरीर में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। इससे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है या फिर आपका जो ब्रेस्ट है वो भारी भारी सा आपको फील होने लगेगा। दूसरा होता है दोस्तों निप्पल का कलर चेंज हो जाना। अगर आप गर्भावस्था में हैं तो आपका निप्पल का कलर चेंज हो जाता है। और ये चेंज क्यों होता है, तो शरीर में कुछ हार्मोनल परिवर्तन आते हैं। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका रंग तुरंत बदल जाता है और इनमें से जो निप्पल के आसपास का एरिया होता है, जो कि गर्भावस्था में जो महिलाएं नहीं होती हैं उनका ब्राउन होता है, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनका रंग ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, यानी ज़्यादा डार्क आपको ब्राउन नज़र आने लगेगा। तीसरा लक्षण होता है मितली आना और उल्टी जैसा लगना। गर्भावस्था के दिनों में शुरुआती लक्षणों में से ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है। गर्भावस्था की शुरुआती काफ़ी बोझल होती है दोस्तों। सुबह उठकर कमजोरी लगती है और मितली आती है। कई बार कुछ खाने पर आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, तो ये भी शुरुआती लक्षण होते हैं। चौथा लक्षण होता है जल्दी जल्दी टॉयलेट जाना। क्या आप अब देख रहे हैं कि पहले की तुलना में आपको टॉयलेट ज़्यादा लग रहा है, आप ज़्यादा बार टॉयलेट जाने लगी हैं? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि किडनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है पहले से, जिससे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है दोस्तों। और पांचवा लक्षण है क्रैविंग। क्रैविंग भी गर्भवती होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। गर्भवती महिला में किसी विशेष चीज़ के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और हर वक्त खाने का दिल करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस दौरान महिला की डेली डाइट अचानक से बदल जाती है, तो आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है। छठा लक्षण होता है सिर दर्द। आपको बार बार लग सकता है कि आपके सर में थोड़ा सा हेडेक है। ब्लड वैक्यूम बढ़ जाने की वजह से सिर में दर्द रहने लगता है फ्रेंड्स। ये गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक प्रमुख लक्षण है, पर धीरे धीरे यह खुद ही ठीक हो जाता है। सातवां लक्षण है कब्ज की शिकायत होना। हार्मोन चेंज की वजह से पाचन क्रिया भी असर करती है, पाचन क्रिया भी इफेक्टेड हो जाती है, पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसी महिला को अक्सर कब्ज की शिकायत रहने लगती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन का हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाचन संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। और आठवां लक्षण होता है शरीर का तापमान और मूड में परिवर्तन। गर्भवती होने पर शरीर का तापमान अक्सर सामान्य से ज़्यादा रहता है और ये तापमान आपको गर्भावस्था के पूरे महीनों में रहता है दोस्तों। इतना ही नहीं, इस दौरान समय समय पर मूड भी बदलता रहता है। कभी कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है, कभी कोई चीज़ से आपको नफरत हो सकती है, कभी आपको कुछ खाने का दिल करेगा, कभी आपको कुछ और खाने का दिल करेगा, ये भी बहुत आम है। तो गर्भावस्था के शुरुआती ये 8 लक्षण हैं। अगर इनमें से आप में कोई से भी लक्षण दिखाई देती है तो आप आसानी से समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट में ये भी बताना चाहूँगी कि हर महिला के हार्मोन का परिवर्तन अलग अलग तरीके से होता है, हर महिला की बॉडी टाइप भी अलग होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण हर एक महिला में दिखाई दे। इनमें से कोई लक्षण आपको नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। और सबसे आसान तरीका होता है कि जब आपके पीरियड मिस हो जाए उसके 1 वीक के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए घर पे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। ये सारे लक्षण शुरुआती लक्षण हैं, जो कि आपको पहले 3 महीनों के अंदर दिखाई देने वाले हैं। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टेक केयर। नमस्कार।